साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आरजे मेहता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज आप देख रहे हैं चरी के रिगार्डिंग ये वीडियो। चरी पे आप देख पा रहे हैं, आज अभी मार्च का महीना है तो ये 5000 फीट एलिवेशन पे अभी चरी की सिचुएशन आप सभी के समक्ष। तो अभी ग्रीन टिप पे है, अभी पूरा बाहर स्प्राउट नहीं हुआ है, ये अभी फुल ब्लूम नहीं हुआ है, इस पर अभी बहुत समय है फुल ब्लूम होने के लिए। तो बीच में एक आधा हो भी गया है तो देख सकते हैं चेरी में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम अलग अलग फ्रूट पे काम करते हैं, चेरी वगैरह। तो मैं चेरी में आपको दिखाता हूँ और भी चेरियाँ अभी उनकी क्या सिचुएशन है, ये देखिए। इसकी भी देखिए, इधर को अखरोट है, ये जाफ़ानी फल है, जाफ़ानी फल, पर्शिमन फल, और ये साथ में देख सकते हैं बीच होके चेरी का पेड़ भी है जो बिल्कुल बीच होके बिल्कुल खड़ा गया है अप्रेस स्टेट। तो इधर को सेब का भी है, उधर को खट्टे का प्लांट भी है। तो इस तरीके से मैंने सारा कुछ ही बिल्कुल तंग तंग लगा दिया है। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको चेरी। और जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग फ्रूट हमें क्यों लगाना चाहिए, ये वीडियो मैं आप सबके बीच में जल्दी लेके आने वाला हूँ। उसके लिए आप कमेंट करें, फटाफट से जाके कमेंट करें कि इस तरीके का कोई वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। इस तरीके की अगर आपको छोटा सा प्लांट बनाना है या नहीं बनाना है, ये बिल्कुल केयरलेस प्लांट है चेरी का, फिर भी अच्छी खासी चेरी इससे निकलती है। ये स्टेला चेरी है, मेरे पास सारी की सारी स्टेला वैरायटी है, और भी कुछ नई वैरायटी है इस प्रकार की, अभी नए प्लांट है। तो ये पूरी क्रॉप पे नहीं आया, हाँ इस साल। ये देखिए, ये फूल है चेरी का, सिंगल फूल, वाह सिंगल फूल फर्स्ट टाइम देखा, क्या बात है। ये देख सकते हैं चेरी का प्लांट है ये, और कोई कटिंग नहीं किया है चेरी में। और जो हम नया काम कर रहे हैं चेरी पे, अभी रू स्टॉक भी कर रहे हैं, सीडलिंग पे भी कर रहे हैं चेरी में, तो वो मैं आने वाले कुछ टाइम बाद दिखाऊंगा। अभी मैं अपने पुराने प्लांट ही अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इसमें अभी क्या सिचुएशन है, क्या चला है और क्या हम कर सकते हैं बेहतर सिचुएशन के लिए, जिस प्रकार से अभी मौसम है और जिस प्रकार की इनकी परफॉर्मेंस है इस फ्रूट की। क्योंकि आपको पता है ये काफ़ी नाजुक फ्रूट है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर ये बालू ने कुछ तोड़ी भी है ब्रांचे, बट मैंने फिर भी रखा है, अच्छा लग रहा है फिर से फोल्ड होके इसमें अच्छे ये निकल रहा है। ये देखिए क्रॉप, देखिए आप चेरी की, अरे वाह, नेचुरल जो होता है ना, बिना कटिंग के बिना कुछ करे, पेड़ की शेप देखिए आप, अरे जो हम सेबों में मेहनत करते हैं उससे तो कई गुना मस्त शेप लग रही है, वाह। आप इंसान जाएगा बिना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स, सातवां, आठवां, नौवां, टॉप, ऊपर तक बढ़िया से स्टेप बनाए। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जा सकते, कितना अच्छी इसकी शेप बनी है। नेचुरल जब प्लांट बनता है ना तो बहुत गजब का बनता है, बहुत गजब का। तो इसमें देख सकते हैं ग्रीन टिप आया है, इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार का मौसम है, कई लोग पूछते हैं कि यार स्टोन फ्रूट कैसे क्या। वैसे तो स्टोन फ्रूट में अगर आप ऐसे ही लेना चाहते हैं, आपके पास पड़ा है, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप बोरोन वगैरह की कुछ स्प्रे कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे थोड़ा सा डालिए, हो सकता है आपकी एलिवेशन और आपकी वहाँ की वातावरण वगैरह जो भी है वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस दिखाए, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अपने बगीचे पे जो करता हूँ, जिस प्रकार से जब मुझे ज़रूरत होती है, जब मैं कि मतलब
मुझे लगता है कि मुझे इस साल फ्लोटिंग चाहिए चाहिए करके, तो मैं इस पर बोरोन या बोरिक एसिड की स्प्रे कर लेता हूँ इस सिचुएशन में इस साल। पर मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो इस साल मेरे पास चेरी की देखरेख के लिए समय भी ज़्यादा नहीं होगा शायद, तो मैं इसमें अभी बोरिक एसिड की स्प्रे करूँगा या बोरोन की एक स्प्रे मारूँगा, जिससे क्या है कि अगर बारिश वरिश भी आती है तो फिर भी ज़्यादा चांस रहते हैं फ्रूट सेट होने के। अगर आपका ऑन ईयर है तो ऑन ईयर में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको पता नहीं है सेटिंग होगी कि नहीं होगी, फिर से कहीं आपका ऑफ ईयर ना बन जाए इस साल भी, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टोन फ्रूट में भी बोरोन की स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ खाली बोरोन मारना है, लाइट सा मारना है, हैवी नहीं मारना है, ठीक है जी। मतलब बहुत लाइट आप इसको करें, थोड़ा थोड़ा सा पिट्ठू मशीन से फॉग टाइप से कर सकते हैं। और तो बाकी तो चेरी के रिगार्डिंग मैं क्या ही बताऊं आपको, बाकी मैं यही बताऊंगा कि आप लोग भी करें अपने और छोड़ में भांति भांति प्रकार की करें। अरे उधर तो ये पियर का प्लांट है, अगर आपने पियर के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पियर वाली वीडियो ज़रूर देख लें। और चेरी के ऊपर अगर और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, नए प्लांट, रूस्टॉक, सीडलिंग, कौन कौन से सीड के ऊपर चेरी का पौधा तैयार होता है, कैसे होता है कि, और चेरी की कटिंग वगैरह, अगर ये सब वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट करें फटाफट, और साथ में हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी चेरी के ऊपर वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो अगर आपको और भी अलग अलग वैरायटी फ्रूट के इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैं आपको अलग अलग तरीके का वीडियो इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ। ये सारी की सारी वीडियो अपने ऑर्चर्ड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सारा का सारा जो भी है ये मैं अपनी प्रैक्टिस आप लोगों के समक्ष साझा कर रहा हूँ। तो वीडियो में अगर अंत तक आप बने रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।